Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our last PPT presentations and videos, we are study about use of film strips, use of television, use of radio, use of language laboratory. These all concepts are clear in your mind. So today we shall study about use of overhead projector. This is one mean of use of instructional media. ओवरहेड प्रोजेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में OHP कहते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास में भी पढ़ा था, एक बार हमने पढ़ाया था आपको और हमने आपको दिखाया भी है कि व्हाट इज OHP. नाउ वी स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द यूज मीनिंग इमेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ OHP. ओके, यू लिसन केयरफुली. First of all, we discuss about the meaning. Among the project's aids, the overhead projector is a very helpful aid for college student. It means overhead projector है वो college teachers के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमें available हो जाता है और ज़्यादा इसमें हमें use करने में भी कोई खास problem नहीं आती, कोई technical issues नहीं है, बहुत easily हम इन्हें classroom में use कर सकते हैं. It can be used in full daylight. इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि room में पूरा अंधेरा हो या darken हो या हम उसमें curtain वगैरह लगाएं, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा tool और necessity needs इसके लिए नहीं है. हम इसे डे लाइट वाले रूम में भी आसानी से यूज कर सकते हैं. इसका जो प्रोजेक्शन है वो दीवार पर या किसी एक पर्दे पर हम आसानी से ले सकते हैं और लाइट के माध्यम से इसे हम चला सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें नीडेड होती है. दिस इज द इमेज ऑफ OHP विच यू सीन इन द स्लाइड. नाउ हाउ टू यूज ए OHP. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्टर. ट्रांसपेरेंसीज का यूज हम एज अ स्टडी मटेरियल OHP में करते हैं. ट्रांसपेरेंसीज आर नॉट डिफिकल्ट टू मेक. ये कोई बहुत टिपिकल प्रोसेस नहीं है इन्हें बनाना. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी टाइप, ड्रॉन और हैंड रिटन. हम इन्हें टाइप भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं इस पर इमेजेस, और हाथ से भी हम इन्हें लिख सकते हैं, इवन हम इन्हें ट्रेस भी कर सकते हैं. और जो इसका रोल है उसे प्रोजेक्टर में लगाने के बाद ही हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं. द रिटन मटेरियल ऑन द रोल कैन बी इरेज्ड. और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मान लीजिए अगर आपका जो रिटन मटेरियल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें, जी हाँ, यदि रिटन मटेरियल में अगर आपने कुछ आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं और उस ट्रांसपेरेंसी को दोबारा भी आप इसे यूज करते हैं. इस ट्रांसपेरेंसी पे लिखने के लिए हमें स्पेशल फेल्ट पेन्स की आवश्यकता पड़ती है. दिस इज द इमेज ऑफ फेल्ट पेन्स. हम इन्हें यूज करके आसानी से उस पर लिख सकते हैं. Now type of transparencies. There are two type of transparencies: personal transparencies and commercial transparencies. Personal transparencies को किसी topic पर अध्यापक अपने हाथ से भी लिख सकता है, स्वयं बना सकता है. और commercial जो transparencies होती हैं, इन्हें हम online net से भी ले सकते हैं. ये special किसी profession के लिए बनाई जाती हैं. The beauty of this simple and not so expensive equipment is that the teacher can develop a diagram. यानी कि इसका जो specific use है वो ये है कि हम इसे कोई picture, कोई diagram आसानी से classroom में बच्चों को दिखा सकते हैं और इसमें हमें chalkboard या उस पर ज़्यादा time भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती. Now advantages of OHP: large image, काफ़ी बड़ी से बड़ी इमेजेस हम इससे बच्चों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं. फेस द ऑडियंस, इसमें हम ना केवल लिख सकते हैं बल्कि सामने की तरफ स्टूडेंट पर भी पूरा फोकस कर सकते हैं, जो कि हम चाक बोर्ड के साथ नहीं कर पाते. लाइटेड रूम, रूम में लाइट रहती है, हमें रूम को डार्कन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. आइडेंटिटी विद द यूजर, यानी कि जो यूजर है, जो यूज करता है, उसकी आइडेंटिटी भी इसके साथ सबके सामने रहती है. लाइट वेट, ये बहुत पोर्टेबल है, हम इसे आसानी से उठा के रख सकते हैं, रोजाना क्लासरूम में भी लेकर आ सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ OHP. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सलिटी. ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसमें वर्सलिटी भी बहुत अच्छी है. पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन, और इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन को पर्सनलाइज कर सकता है अध्यापक, यानी कि वो अपने स्टूडेंट के साथ पर्सनल तौर पर उसे पढ़ा सकता है. होममेड मटेरियल, इसका मटेरियल ज़्यादातर होममेड है, हमें बाहर से ट्रांसपेरेंसी लेने की कम आवश्यकता पड़ती है. हम आसानी से अपने कंटेंट को इस पर लिखकर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. हम इसके द्वारा अपने स्टूडेंट को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं. सो थैंक यू टू लिसन दिस वीडियो.